अल्फा अल्फा अल्फा, तुझे कहा था वे मैंने कि उस कोबरा के गुणगान मत कर, अब मरेगा मेरे हाथों से कुत्ते तू आज। या हा, हा, हा। अबे साले, तुझसे यही उम्मीद थी। मैंने सोचा वही निकला तू, तू कुत्ता है कुत्ता, और कोबरा तुझे जरूर मारेगा एक न एक दिन। हाँ, कोबरा मुझे ढूंढेगा तभी मारेगा ना, उससे पहले मैं तुझे जला डालूंगा इस जंगल में। यहाँ कोई नहीं है जंगली जानवर के मुझे। ये ले बे। या हमसे जवान लगा रहा था, निकलता हूँ अब यहाँ से। इसका काम तो हो गया है, अब वो कोबरा है अगला टारगेट मेरा। या मुझे मारने की कोशिश की है ना तूने? तू मुझे जानता नहीं कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे सर, ऐसा नहीं चलेगा सर। तो भाई कैसे यार, थोड़ा एंग्रीनेस लाई सर, थोड़े एंग्री होकर बोली सर। एंग्री कैसे होऊंगा, मैं एक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ का सुपर हीरो हूँ। सर आप कर सकते हो सर। चलो कोई नहीं, एक और टेक लेते हैं। जी सर लो। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तू मुझे जानता नहीं, तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, मैं नेक्स्ट शूटिंग लोकेशन की तैयारी करता हूँ। अरे भाई क्या सच में मैंने अच्छी एक्टिंग की? और बड़ी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रैंपेज भाई, आपका इंतजार कर रहा था, आप कुछ खबर देने वाले थे। हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बुरी खबर देने वाला हूँ। बोलो बोलो रैंपेज भाई। भाई तुम्हारे भाई अल्फा को मार डाला है उस कोबरा ने, उसका चमचा बना होता था ना उसी ने मार डाला। क्या, उस कोबरा को छोड़ूंगा नहीं मैं। जहाँ से आया है वहीं चला जा बोया ब्रदर, तू मेरे को नहीं जानता है, निकल जा यहाँ से, पता नहीं इस पाक धरती में तेरे जैसे नापाक कहाँ से पैदा हो गए। अबे ज्यादा मत बोल रे, तू जानता नहीं है मेरे बारे में, बोया क्या चीज है, खत्म कर डालूंगा तुझे। क्या बे, फिर से बोल साले, अगर तू यहाँ तो आया दो पैरों पर है, लेकिन जाएगा चार कंधों पर। अच्छा ये बात है, कोबरा ऐसी धमकियाँ बहुत सुनी है मैंने, ये धमकियाँ तो मैं रोज सुनता हूँ, लेकिन आज तू क्या बे? तूने धमकियाँ देने वाले बहुत सुने होंगे, लेकिन मैं रियल हूँ, और तुझे तुझे दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ बोलता ही नहीं करता भी हूँ। साले जलो मेरी क्रोध की अग्नि में, तुम भी मरोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, अब होगी यहाँ पर महाप्रलय, कोई नहीं बचेगा। ये ले बे, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कोबरा बे, ये ले बे, चोर कोबरा, बड़े आए मुझे मारने वाले हो, और अबे तू क्या गोलियां चला रहा है बे, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे तू तो गया मेरी हेती चुकी रे, तेरी जो आज मैं ऐसी हालत करूंगा ना कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा तो ये बात है, छोड़ कोबरा, अरे कहाँ ले जा रहा है उड़ाकर मुझे, छोड़ दे बे। बड़ा आया था मुझे मारने वाला, इसे पता नहीं कि कोबरा को मिटाने वाला कोई नहीं है। कोबरा यहाँ पर एक है और सिर्फ एक ही रहेगा। मुझे जल्दी चलानी पड़ेगी गाड़ी, पता नहीं मेरे पीछे कौन कर रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी सारी खबर कोबरा सर को पहुँचानी पड़ेगी। यार इसे भी अभी खराब होना था, चलो ऐसे ही भाग चलता हूँ मैं। अरे ये तो मेरे पीछे करते ही जा रही है। अरे अरे ब्लू कोबरा सर आप आ गए, शुक्र है सर आप आ गए। आओ 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 जाए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे अरे कोबरा सर देखे ना, ये गाड़ी कब से मेरा पीछा कर रही है। गाड़ी नहीं, हम पीछा कर रहे हैं विजय तेरा, हम है रैंपेज वे, तुम्हारे सबूतों को लेकर कहाँ जा रहा है। अरे अरे ब्लू सर यही है, यही हमारे साथ गद्दारी कर रहा है साला, हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, मैं सारी खबर कोबरा को दे दूंगा। हाँ मैं ही हूँ जो गद्दारी कर रहा हूँ,
और मैंने ही कोबरा को मारने की प्लानिंग बनाई है। क्या कह रहे हो बे? तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है क्या रैम्पेज? हाँ, मुझे नहीं अपनी जान से प्यार, इसलिए तो तुम्हें अपने साथ लिया है ताकि तुम भी मेरा साथ दे सको। तो फिर जल्दी इसे खत्म करो ताकि हमारा सपोर्ट किसी को न मिले। कुत्ते ये ले, मारे खिलाफ देगा तू गवाही। अबे रैम्पेज, तुझसे एक आदमी तो संभलता नहीं है और बड़ा आया कोबरा को मारने वाला। ये तो शुक्र है कि मैं टाइम से आ गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। ब्लू भाई निश्चिंत हो जाओ तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या है बात। मार डालेंगे उस कोबरा को भी। हाँ, पहुंच ही गया मैं क्लॉक टावर में, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यहाँ तो जैसे मातम छाया हुआ होगा, पता नहीं क्या बात है। मेरे भाई लोग कहाँ पर होंगे? और अरे भाइयो, अरे मेरे भाई, अरे भाई तू आ गया। अरे भाई पिलू बोल, क्या बात है? अरे भाई बात क्या होगी, मैंने मिलिट्री का सारा काम उस रैम्पेज को सौंप दिया है। अच्छा चलो बढ़िया किया भाई, वैसे मैं भी कर सकता था मिलिट्री का काम, लेकिन मुझे और भी कुछ काम है, इसलिए मैं आज भी जा रहा हूँ भाई। हाँ, तुमने अच्छा किया ब्लू मेरे भाई, जो मिलिट्री का सारा काम उस रैम्पेज को झोंक दिया, क्योंकि वो भी हमारे देश का एक जिम्मेवार नागरिक है और क्लॉक टावर का रक्षक है। हाँ, और मुझे एक जरूरी काम है मेरे भाई, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है भाई। मुझे जल्दी से रैम्पेज को बताना होगा कि कोबरा इस क्लॉक टावर में अकेला होगा, तो आज ही वो सही समय है जब होगा इसका खात्मा। अरे बताओ रैम्पेज भाई, आखिरकार तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है मुझे और स्पाइडरमैन को? अरे जल्दी चलता हूँ भाई, आज तो बॉस को ऐसी खबर सुनाऊंगा ना, उनका दिल खुश हो जाएगा और शायद मुझे वो प्रमोशन भी दे दे। वो रहे बॉस, जल्दी चलता हूँ यार, इस बाइक को यहीं खड़ी कर देता हूँ। बॉस भी ना क्या करते रहते हैं। अरे बॉस तो अपनी गैंग के साथ मगन है, चलो बताता हूँ उनको अच्छी खबर है। अरे बॉस, रैम्पेज बॉस, एक काम है आपको, एक बात बतानी है। हाँ बताओ क्या हुआ बे? अरे बॉस, आपने जो हथियार का ऑर्डर दिया था ना, वो रेडी हो गया है, जिसे कोबरा को मार सकते हैं, वो फुल्ली तैयार है बॉस। क्या? तो वो हथियार आखिर बनकर तैयार हो ही गया? हाँ, ब्लू बॉस रेडी है। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा काम किया बे। हिप हॉप, तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है हमें। रैम्पेज, इसने तो अपना काम कर दिया है, आप बाकी का काम तुम्हें करना है। ब्लू भाई तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूँ मैं क्लॉक टावर तबाही करने, छोड़ूंगा नहीं किसी को वे, एक एक को उड़ा कर रख डालूंगा। ये कितना खतरनाक वेपन तैयार कर दिया वैसे तो। अरे क्या बात है, क्लॉक टावर में शांति बहुत छाई हुई है, लेकिन अब शांति नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हम आ गए हैं ना। अरे कहाँ है बे कोबरा भाई, कहाँ पर है? अरे जय मेरे भाई, कहाँ पर है कोबरा? अरे रैम्पेज भाई, वो तो अंदर है, जाओ मिलो उनसे। ठीक है जाता हूँ। अरे कहाँ है भाई कोबरा, कहाँ है? अरे रैम्पेज भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे भाई? अरे कुछ काम था क्या? हाँ भाई मुझे कुछ काम था, लेकिन मुझे रेड कोबरा से काम था, तुमसे नहीं। अरे बताओ, मैं भी कर सकता हूँ तेरा काम, बोलो क्या काम है भाई, मैं भी यहाँ का एक हिस्सा हूँ भाई, बोल डर नहीं मुझसे। अरे भाई कुछ नहीं, मुझे उससे ही काम है, उससे कुछ काम था बहुत ही ज़रूरी भाई, जो तुझसे नहीं हो सकता है। वैसे तू भी खासा अच्छा है, लेकिन तेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, ऐसा मत बोल यार, मेरी क्यों नहीं है इज्जत? हाँ तो कहाँ है इज्जत तेरी, साले कुत्ते तलबे ही चाटते रहे तू उस रेड कोबरा के। कुत्ता कहीं का, ब्लू हमारे साथ मिल गया है, अगर तू भी मिलना चाहता है तो बोल। अरे नहीं, मैं अपने भाई गद्दार ही नहीं कर सकता, और तू साले गद्दार है। हाँ मैं गद्दार हूँ तो क्या उखाड़ देगा बे कुत्ते, तू साले हमसे जुबान लगाता है तो क्या? साला किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये ले कुत्ते।
मार डालूंगा एक एक को चुन चुन के। इस क्लोकटावर में तबाही होगी तबाही, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। ये ले, कहाँ गया ये ले कुत्ते। इस क्लोकटावर को तो मैं गैस नैस करके ही जाऊंगा। साला वो रेड यहाँ नहीं है ना, नहीं तो उसमें तरह छेद करता ना, क्योंकि रूह कहाँ पुरती। साला पता नहीं कहाँ भाग गया है मेरे डर से। नहीं तो मैं डेविल हूँ, डेविल शैतान, कभी खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन क्या करें, अब जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं यार, जल्दी से जल्दी। भाई को खबर सुनाता हूँ, बहुत अच्छी खबर है ये तो, खुश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है। जल्दी चलता हूँ यार, मेरा भाई अयालो इंतजार कर रहा होगा, उसे भी कहीं काम पर जाना है ना। अरे ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, किसने मारा है इन्हें? मेरा भाई अयालो तो ठीक होगा ना? अरे मेरे भाई, तुझे क्या हो गया अयालो? मेरे भाई क्या हो गया तुझे? अरे क्या हुआ है ब्लू, येलो, मेरे भाई क्या हुआ है तेरे साथ? किसने किया है मेरे भाई? ब्लू बोल, किसने मारा इसे? अरे भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये जरूर उस रैम्पेज का ही हाथ होगा। क्या, वो तो हमारा साथी था ना, साले उसी ने हमारे भाई को मारा है। अरे हाँ मेरे भाई, हाँ उसी ने ही मारा है। उसे छोड़ूंगा नहीं साले को, और आ रहा रैम्पेज। उस साले ब्लू ने हमारे साथ दगा कर दिया है वे पॉप। तो तू यहाँ छिपकर बैठा था वे साले, तू शायद भूल गया मौत से जितना भी बच ले, लेकिन इस कोबरा से कभी नहीं बच पाएगा तू। अबे कोबरे तू आ गया वे, आ तेरा इंतजार कर रहे थे हम, मुझे पता था तू आएगा। उस ब्लू ने तुझे भड़काया होगा ना, तुझे क्या लगता है वो तेरा साथी है? वो हमारा साथी था वे, साला दगेबाज कहीं का, उसे अपना समझा और वो साला तो तेरी साइड हो गया। बहुत बदलू आदमी हो। अबे साले चुप हो जा, अपने गंदे मुंह से अगर मेरे भाई का नाम लिया ना तो तेरा मुंह फाड़ दूंगा साले, वो मेरा भाई है और ऐसा कभी नहीं कर सकता बे साले। मत मान, मेरा क्या जाता है, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं, तुझे कड़वी लग रही है तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तू मान ना मान, लेकिन वो भी गद्दार है। तू शायद जितना भी बोले, लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, और मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन नहीं करूंगा बे साले। तू तो गया लेकिन मेरे हाथों से, तूने मेरे भाई येलो कोबरा को मारा था ना, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से बे साले। जला कर रख दूंगा तुम सभी को मैं, जला कर। ये ले बे, तूने मेरे भाई को मारा था ना। अरे मुझे छोड़ दो, उस ब्लू ने बोला तो मुझे, मैंने तो बढ़ाया मेरे भाई का नाम लेने वाला, तुम लोग भी नहीं बचोगे बे, तुम भी मरोगे मेरे हाथों से। जला कर रख दूंगा तुम सभी को मैं, राख मिटा दूंगा। तुम सभी को पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, तुमने एक सेते सोते हुए शेर को जगाया है, जो कि एक बार उठ गया ना तो शिकार करते कर ही रहता है। मार डालूंगा सभी को मैं, मार डालूंगा। तुम लोग क्या मुझ पर गोलियां चला रहे हो बे, तुम्हें शायद पता नहीं कि हम फौलाद के बने हैं और हम पर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तुम पर होता है। बड़े आए थे हमसे पंगा लेने वाला, इन्हें पता नहीं कि हम वो है जिससे मौत भी कांपा करती है, और बड़े आए थे हमसे पंगे लेने वाले। अब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले होगी, सालों ने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से मारा था ना, अब इन्हें पता चलेगा कि मौत जब आती है ना तो वो बहुत ही भयंकर होती है। लेकिन ये कहीं रैम्पेज सच तो नहीं कह रहा था, मेरा भाई ब्लू तो इनमें शामिल नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वो शामिल हुआ ना तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, अगर आखिर तक आपने वीडियो देख ली है तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर,
और कमेंट कीजिए हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।